ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव है। तिरुभाव महोत्सव का अर्थ है डिसअपियरेंस डे। प्रभुपाद आज के दिन भगवत धाम चले गए हैं। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव पूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद अपने धाम या भगवत धाम चले जाने के बावजूद भी इस जगत में श्रील प्रभुपाद रहते भी है हम सभी के साथ। तो तिरुभाव उत्सव जो है ये दुखद उत्सव नहीं है, ये सुखद उत्सव है कि हमारे प्रभुपाद भगवान के साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ भी प्रत्येक जीव के साथ, जो जिन जिन के घर में प्रभुपाद के ग्रंथ है उन सभी के साथ प्रत्येक घर में प्रभुपाद स्वयं उपस्थित है, उस भक्त के साथ, उस जीवात्मा के साथ। हमें ये जान लेना चाहिए कि किस तरह से प्रभुपाद हमारे साथ है। इस तथ्य को अगर हम अच्छी तरह से समझ ले तो निश्चित रूप से हम अपने आप को कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। प्रभुपाद हमारे साथ है, वैष्णव परंपरा हमारे साथ है, इसकी अनुभूति होगी, साक्षात अनुभूति होगी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है। श्रील प्रभुपाद के गुरु ने उन्हें दो आदेश दिए थे, दो आदेश, समझ गया ना। जैसे ही तुम्हें पैसा मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ग्रंथों को लिख कर उसे छाप कर उसे वितरण करो। और दूसरी आदेश ये थी कि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। ये दो आदेशों के कारण हमें श्रील प्रभुपाद ने दो संस्था दी है। एक संस्था जो उनके गुरु का आदेश था कि पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो, तो उस निमित्त से या उस कारण प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्था स्थापन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। इसके संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद है। ये एक संस्था
एक आदेश का, दूसरे आदेश का, जैसे ही तुम्हें कुछ लक्ष्मी मिले, धन मिले, तो ग्रंथों को छाप कर वितरण करो, दूसरा आदेश। ये दूसरे आदेश ये कारण बना प्रभुपाद की दूसरी संस्था स्थापना करने के लिए, वो है बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु के दो आदेशों का इतनी सुढंग रूप से स्थापित किए, बीबीटी के माध्यम से और इस्कॉन के माध्यम से। तो हमें इस दो संस्थाओं को किस रूप में देखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम इसको इस रूप से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम प्रभुपाद से अलग नहीं है, हमारे साथ प्रभुपाद है, हम प्रभुपाद के साथ है। जैसा हमारा शरीर है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर हृदय है, हृदय जब तक पंपिंग करते रहेगा ढंग से तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, और उस हृदय के अंदर आत्मा है, और उस आत्मा के बाजू में ही परमात्मा है, और परमात्मा उस आत्मा को हर हमेशा गाइड करते रहता है। यह हम नहीं समझ पाते, लेकिन जो जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है वो बहुत अच्छी ढंग से, अच्छी तरह से समझ पाते। ठीक उसी तरह से इस्कॉन जो है ये श्रील प्रभुपाद का शरीर है, इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का शरीर है, बीबीटी श्रील प्रभुपाद का हृदय है। प्रभुपाद कई बार कहते थे कि मेरे ग्रंथों का वितरण करने से मैं संतुष्ट हो जाता हूं, मेरे ग्रंथ हृदय होंगे। तो बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है, प्रभुपाद के ग्रंथ जो है, वो प्रभुपाद के इस्कॉन रूपी शरीर का हृदय है। और मेरा हृदय है जब प्रभुपाद कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रभुपाद की लेखनी जो है, जो वो स्वयं लिख रहे हैं, वो आत्मा, जैसे आत्मा के बाजू में परमात्मा है और उन्हें गाइड करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रभुपाद जब लिखते थे अपने ग्रंथों को, खास करके श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को, प्रभुपाद ने कई बार कहे हैं कि कृष्णा इज डिक्टेटिंग एंड आई एम राइटिंग। आप समझ रहे हो इसे? कई भक्त इस तथ्य को लेकर अनेक अपने अपने विचार को रखते थे, उनके शिष्य जो है, हाँ शायद प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि परमात्मा के रूप में प्रभुपाद को गाइड कर रहे हैं और प्रभुपाद लिख रहे हैं। नो, प्रभुपाद सेड व्हाट आई एम सेइंग ट्राई टू अंडरस्टैंड एज इट इज, कृष्णा इज डिक्टेटिंग एंड आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस तरह से अगर हम प्रभुपाद को समझे, और प्रभुपाद सिर्फ इस्कॉन रूप से ही नहीं, प्रत्येक ग्रंथ के रूप में घर घर में उपस्थित है, हमारे साथ है प्रभुपाद। जब प्रभुपाद के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद के हृदय के करीब है, समझ गए ना? प्रभुपाद के हृदय के करीब है, मतलब हम प्रभुपाद के साथ है,
और साक्षात प्रभुपाद हमारे साथ है। हमें सचमुच इसी तरह से लेना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि हम भक्ति में अकेले नहीं है, प्रभुपाद भी है, गुरुजन है हमारे, हाँ पूरा गुरु परंपरा है, और प्रभुपाद के साथ साथ हमारे साथ राधा कृष्ण भी है। इस भाव से ही हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन प्रभुपाद का संग लेना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तियों का संग कैसे हम छोड़ सकते हैं, कैसे हम प्रभुपाद के ग्रंथों को मतलब दूर रख सकते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें पढ़ने से हम प्रभुपाद के साथ रहते हैं। तो मेरे ही जीवन में प्रभुपाद कैसे आए, ये मैं बताना चाहता हूं। ऑफ कोर्स प्रभुपाद साक्षात उनके ग्रंथों के रूप में है, कभी प्रभुपाद को और प्रभुपाद के ग्रंथों को अभिन्न ना समझे, सॉरी अभिन्न समझे, भिन्न ना समझे, अलग अलग है ऐसे हमें समझना नहीं चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथ अलग है, प्रभुपाद अलग है ऐसे हमें कभी समझना नहीं चाहिए, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो मेरे जीवन में श्रील प्रभुपाद कैसे आए, मैं जब कॉलेज में लास्ट ईयर में था तो लास्ट ईयर के सारे विद्यार्थी अनेक अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स ले रहे थे, कुछ मशीन्स पर ले रहे हैं, कुछ बर्ड्स पे ले रहे हैं, कुछ नेचर पर ले रहे हैं, हर एक को अपना अपना प्रोजेक्ट ये करना था। बिकॉज आई एम फ्रॉम एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जैसे वैसे उस कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो हमारा प्रोजेक्ट था पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। तो मैं कृष्ण पर प्रोजेक्ट लिया था क्योंकि कृष्ण को मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में समझता था और मुझे बहुत प्रिय था, इसलिए मैं कृष्ण पर पेंटिंग्स का प्रोजेक्ट लिया था। और अनेक प्रकार के पेंटिंग्स को ढूंढने के लिए मैं रास्ते पर मुंबई, हाँ जिसे पहले वीटी कहा जाता था, विक्टोरिया टर्मिनस, अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, पर उस समय पूरे वीटी में फोर्ट पर कई पुस्तकों को मैं देखता था, कई कैलेंडर्स, कहाँ चित्र मिलते हैं क्या, तो हर हमेशा मुझे ऐसे ही चित्र मिलते थे जैसे कृष्ण यमुना के तट पर बैठे हैं और उनके बाजू में राधा है और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे चित्र मिलते ही नहीं थे, मैं कई लंबे समय तक इसे ढूंढता रहा, बट एक व्यक्ति जब मैं ढूंढ रहा था काफी लंबे समय से उस शॉप में, तो एक व्यक्ति भी वहां पे था दूसरा कोई, तो शायद मुझे वो देख रहा था कि मैं क्या चाहता हूं, तो उन्होंने मैं कंधे पर हाथ रखकर ऐसे कहा कि तुम्हें अगर कृष्ण के अनेक प्रकार के लीलाओं के पेंटिंग्स अगर चाहिए, तुम इस्कॉन के जू टेम्पल जाओ, जू टेम्पल जाओ। मैं बड़ा खुश हुआ, उससे एड्रेस लिया, फिर बाद में मैं अंधेरी स्टेशन पहुंचा, वहां से फिर ऑटो वाले को पूछा, फिर वहां पे मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचने के बाद उस पेंटिंग्स को देखकर मेरी आंखें एकदम पागल जैसे हो गई, क्या ऐसे पेंटिंग्स तो मैंने देखे ही नहीं थे कभी। तो हर एक पेंटिंग मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि कितने सारे मैंने पेंटिंग्स खरीदे मेरे प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, बहुत सारे पेंटिंग्स खरीदे।
और ये पेंटिंग्स किसने किए हैं? श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने की है पेंटिंग्स। तो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा हो गई मुझ पर। सारे जितने भी श्रील प्रभुपाद के आर्टिस्ट थे सभी के परीक्षित दास और ऐसे कहीं भक्त है, श्रील प्रभुपाद के शिष्य है, उनकी मुझ पर कृपा हुई। और जब मैं वो पेंटिंग सारी खरीदे तो वो व्यक्ति जो शॉप में था, समझ गए ना, गिफ्ट शॉप में था मुंबई के, तो उसने मुझे एक छोटा सा ग्रंथ भेंट दिया कि प्रभु आप इतने सारे पेंटिंग्स ले जा रहे हो तो हमारे इस्कॉन के तरफ से ये आपके लिए फ्री भेंट है। और वो क्या था ग्रंथ? द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं करीबन 1.5 महीने तक ये पेंटिंग्स को लेकर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। कंप्लीट कर फिर मैंने प्रेजेंट किया कॉलेज में, पास आउट भी हुए, बट आई वाज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रहता था और साथ ही साथ मैं काम भी करता था थोड़ा बहुत, लर्निंग एंड अर्निंग। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए अर्निंग करना पड़ा था। तो उसके वजह से हॉस्टल में रहकर कॉलेज खत्म होने के बाद, पास आउट होने के बाद भी फिर धीरे धीरे मैंने दूसरी नौकरी ज्वाइन किया। लेकिन एक बार हमारे हॉस्टल के रेक्टर ने मुझे कहा, आप बहुत दिन रह लिए, आप अपना ढूंढो, दूसरे स्टूडेंट्स राह देख रहे, रूम खाली करो। तो जब मैं रूम खाली कर रहा था, सारे अपने कपड़े कहो ये कहो सबको लेकर दूसरे जगह शिफ्ट होने की जब प्रस्थान कर रहा था, तो वो ग्रंथ मुझे किताबों पर धूल खाते हुए मिला। क्योंकि जब से वो मिला था प्रोजेक्ट में व्यस्त थे और उसे मैं ऊपर रख दिया था और उसको बाद में भूल गया, देखा तक भी। बाद में जहां सारे बुक्स में अपने ट्रंक में अपने बैग में डाल रहा था तो उस समय उस ग्रंथ को देखा, प्रभुपाद के चित्र को, प्रभुपाद का चित्र था उसके ऊपर, फ्रंट पेज पर प्रभुपाद का है और ऊपर सिल्वर में गोल्ड में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन लिखा हुआ। तो मैं उस ग्रंथ को उस रात को पूरी रात उसका धूल साफ कर सबसे पहला टॉपिक अगर मैं कुछ पढ़ा तो वो था जीसस एंड कृष्णा, क्राइस्ट एंड कृष्णा, ऐसा ही कुछ वो टॉपिक का नाम था। तो पहले वो पढ़ने के बाद इंडेक्स में जाकर वो देखा तो ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पढ़ने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ तो वापस पहले चैप्टर से मैं पूरा ग्रंथ दूसरे दिन 10 बजे तक पूरा ग्रंथ, रात को जो बैठा पूरा ग्रंथ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरे दिन 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक उसको कंप्लीट कर दिया। और पहला संडे मैं इस्कॉन पहुंच गया। उसके बाद और वहां पे मुझे कई भक्तों का संग हुआ। This is in 1986 की बात कर रहा हूं मैं, 1986 की बात, कितना लंबा समय होगा। तो वो मेरा कॉलेज का आखिरी साल था। इस तरह से मुझे प्रभुपाद मिले, इस तरह से मुझे प्रभुपाद का संग हुआ। उन्होंने गाइड किया कि तुम इस्कॉन जाओ। ऑफ कोर्स वो व्यक्ति अलग था जो मुझे इस्कॉन टेंपल भेजा, लेकिन प्रभुपाद, मैं इस तरह से देखता हूं क्योंकि प्रभुपाद स्वयं वो गाइड किए हैं, समझ गए ना, क्योंकि गुरुजन गाइड करते हैं।
परमात्मा गाइड करते हैं किसी के माध्यम से, तो हमें हर हमेशा इस तरह से देखना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद मेरे जीवन में आए और क्या नहीं बदलाव हुआ। एक संत किसी के जीवन में आते हैं, एक महात्मा, एक आचार्य, शुद्ध भक्त किसी के जीवन में आते हैं तो उसके जीवन को बदल डालते हैं। इस भौतिक जगत से हम तर जाते हैं ऐसे महान आत्माओं के संग से। तो प्रभुपाद को कभी भी हमारे बीच नहीं है ऐसे समझना मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा अपराध के जैसा है, क्योंकि प्रभुपाद ग्रंथ के रूप में अपने हृदय के करीब हमें रखते हैं, क्योंकि बीबीटी हृदय है प्रभुपाद का, समझ गया ना। इस्कॉन में भले कितने भी चढ़ाव उतार आए, ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन ये ध्यान में रखे हृदय को ठेस ना पहुंचे। हार्ट के ऊपर कोई आक्रमण ना करे, तो कोई आक्रमण हार्ट के ऊपर अगर करता है, हार्ट अटैक्स कहो या व्हाटएवर जो भी है, इसे हम इस तरह से ले सकते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथों को जो एज इट इज प्रेजेंट नहीं करता है वो हार्ट अटैक्स के कारण बन जाते हैं, समझ गया ना। शरीर का उंगली चला जाता है, कुछ भाग चला जाता है तो भी शरीर कायम रह सकता है, लेकिन हार्ट के ऊपर कोई प्रतिहार करे तो कैसे श्रील प्रभुपाद का मूवमेंट 10,000 साल तक जाएगा। इसलिए ग्रंथों को हर हमेशा हमारे हृदय के करीब रखना चाहिए। लेट अस स्टे नियर द हार्ट ऑफ प्रभुपाद, लेट अस आवर हार्ट स्टे नियर द हार्ट ऑफ प्रभुपाद। ये कंसेप्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे तो हम प्रभुपाद के हृदय के करीब रहते हैं, और उसको एज इट इज प्रेजेंट करते हैं तो हम उनके हार्ट पर प्रतिहार नहीं करेंगे, समझ गए ना। हार्ट पर प्रतिहार मतलब अटैक तभी होता है जब हम उनको अपने कॉन्कॉक्शन या मनमानी ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को या प्रचार में। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है बात। तो इट इज जस्ट लाइक इस्कॉन इज एक्सटर्नल एंड भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी इज इंटरनल। ऐसे भी ले सकते हैं बॉडी को, इस तरह से भी ले सकते हैं, इंटरनल डिजायर्स एक्सटर्नल डिजायर्स, इंटरनल मूड एक्सटर्नल मूड, इंटरनल बॉडी एक्सटर्नल बॉडी, समझिए ना। तो इंटरनल बॉडी इंटरनल मूड्स के साथ कभी भी कॉन्कॉक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंटेड एज इट इज। तो प्रभुपाद जो चाहते हैं उसको एज इट इज जब हम प्रेजेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रभुपाद के हृदय के करीब रहेंगे, या प्रभुपाद हमें अपने हृदय के करीब रखेंगे। तो मेरी नम्र विनंती है, आप रोज प्रभुपाद के करीब रहो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद को कि हम सब प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर प्रभुपाद के हृदय के करीब रहे। मैं कभी कभी ऐसा सोचते भी रहता हूं, वृंदावन में प्रत्येक जीव जो है वृंदावन में ही रहना चाहता है, ब्रजवासी ही बनकर रहना चाहता है। वहां के पेड़ देखो,
वहां के पत्थर देखो, वहां की यमुना देखो, वहां की रज देखो, वहां के कुंड देखो, वहां के पक्षियां देखो, वहां के जानवर देखो, और वहां पे रहने वाले ब्रजवासी भी देखो, वो ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते, इतना प्रेम करते हैं ब्रज से, वृंदावन से इतना प्रेम करते हैं, समझ गए ना। लेकिन यमुना जो है, यमुना वृंदावन से बहती 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 जाती है और वृंदावन के बाहर जाती है, क्या कारण हो सकता है? तो यमुना में जो स्नान करता है उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो अन्य पति जीवों का उद्धार करने हेतु, ब्रजवासियों का तो है ही, उनका तो हुआ है, लेकिन पति जीव जो ब्रज से बाहर रह रहे, वृंदावन से बाहर रह रहे हैं, तो उनका उद्धार करेगा कौन? इसलिए यमुना वृंदावन से बाहर चली जाती है अनेकों का उद्धार करने के लिए। मैं जब यमुना को देखता हूं, जब वृंदावन जाता हूं, यमुना के दर्शन करता हूं, तो मुझे प्रत्यक्ष श्रील प्रभुपाद वहां पे दिखते हैं कि प्रभुपाद भी क्या इतने राइपंड, मतलब परिपक्व उम्र जो था 70 years, 70वें साल के उम्र में उन्हें वृंदावन को छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम जैसे पतिज्यों का उद्धार करने हेतु यमुना के जैसे वृंदावन को त्याग कर अन्यों का उद्धार करने के लिए पाश्चात्य देश चले गए। क्या हम इस तरह से देख सकते हैं यमुना में और श्रील प्रभुपाद में कोई अंतर नहीं है? मुझे कभी कभी, एनी हाउ आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा हृदय सुनिश्चित ये कहता है कि प्रभुपाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम यमुना, क्योंकि यमुना का जैसा भाव है प्रभुपाद का भी वैसा ही भाव है कि मैं दूर देशों में जाकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करो, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत प्रचार करो। सो प्रभुपाद इज, मतलब जैसे यमुना वृंदावन में भी है और बाहर भी जा रही है दूसरों के उद्धार के हेतु, ठीक उसी तरह से प्रभुपाद वृंदावन में भी है और पूरे जगत पर विख्यात है अपने ग्रंथों के माध्यम से। बट यहां पे ये मत समझना कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम, हाँ प्रभुपाद इज डिफरेंट फ्रॉम हिज बुक्स, उनके ग्रंथों से भिन्न नहीं है प्रभुपाद। ठीक उसी तरह से जैसे प्रभुपाद वृंदावन में भी है और प्रभुपाद अन्यत्र सभी जगह है और हम प्रत्येक जीव के साथ है, उसी तरह से प्रभुपाद इस भौतिक जगत में भी है और प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत में भी है। सो तिरोभाव को, प्रभुपाद के तिरोभाव को हमें इस तरह से लेना चाहिए। इनफैक्ट प्रभुपाद का तिरोभाव इतना बड़ा उत्सव है, इतना बड़ा उत्सव है कि प्रभुपाद ने अपने शरीर का विस्तार सिर्फ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, समझ गए ना। इतना अगर हम कहेंगे तो वी आर लिमिटिंग इट, सिर्फ इस पृथ्वी से संबंधित है।
तो प्रभुपाद अपने आप को विस्तार जो है, यहाँ तक कि देवता भी आकर प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनते थे. मीन्स इट इज एक्चुअली यूनिवर्सल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, मेरा ये भाव है, समझ गए. इतना ही नहीं, प्रभुपाद तो नॉट जस्ट ओनली यूनिवर्स, प्रभुपाद तो आध्यात्मिक जगत के है, तो वो वहां पे भी है, यूनिवर्स में भी है, और इस पृथ्वी पर है, और प्रत्येक घर में है, सिर्फ इस्कॉन में ही नहीं, प्रत्येक घर में है. ये प्रभुपाद की महिमा है, ये हमारे प्रभुपाद की महिमा है, समझिए ना. सो बीबीटी को कोई साधारण संस्था ना समझे, समझ गए ना. इस्कॉन एक्सटर्नल है, बीबीटी इंटरनल है. इसलिए सदैव भले हम इस्कॉन एवरीडे नहीं जा सकते हैं, लेकिन बीबीटी एवरीडे हमारे साथ है. प्रभुपाद के ग्रंथ हमारे साथ है, और प्रभुपाद के प्रति अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद के इन ग्रंथों को जिन जिन घर में नहीं है, वहां तक जिन जिन व्यक्तियों के पास भगवद गीता नहीं है, भागवतम नहीं है, उन उन व्यक्तियों तक हम पहुंचाएंगे, तो हम प्रभुपाद का ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं. प्रभुपाद के शरीर को हम बढ़ा रहे हैं, प्रभुपाद के हृदय को हम बढ़ा रहे हैं, प्रभुपाद का हृदय विशाल कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक जीवात्मा प्रभुपाद के हृदय में रहे, या हृदय के साथ निवास करें. प्रभुपाद के कुछ शिष्य ऐसे कहते थे, प्रभुपाद हैज बिल्ड अ हाउस वेयर द होल वर्ल्ड कैन लिव. कैसे रह सकता है? इस तरह से प्रभुपाद ने घर का, ऐसे घर का, विशाल घर का निर्माण किया जहां पे पूरा जगत रह सकता है. मैं तो कहता हूं पूरा जगत क्या, पूरा यूनिवर्स रह सकता है. जब हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं, तो देवी देवता भी सुन सकते हैं इस कीर्तन को. प्रत्येक घर में जाकर प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा चैतन्य महाप्रभु, मेरी आज्ञा है. इस ग्रंथों को घर घर तक पहुंचा, इस उपदेशों को घर घर तक पहुंचा. श्रील प्रभुपाद भी कहे कि मेरे ग्रंथ जो है, हाँ, इसको प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य को, या प्रत्येक मनुष्य के घर पे होना चाहिए ये ग्रंथ. इस तरह से हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, समझ गए ना. वरना तो प्रभुपाद ने हमें इतना कुछ दिया है, हम प्रभुपाद को क्या दे रहे हैं, हम प्रभुपाद के लिए क्या कर रहे हैं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे इस तरह से हमें लेना चाहिए, ताकि हम कभी अकेले ना पड़े. प्रभुपाद के माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त होता है प्रचार करने की, समझ गया ना. कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन. प्रभुपाद हम पर कृपा करते हैं, तो कृष्ण हमें शक्ति देते हैं, ताकि उस कृपा को हम अन्यों तक पहुंचाएं. सो प्लीज आज के दिन जो है, जो इस्कॉन मंदिर नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो अपने घर पे भी प्रभुपाद तिरुभाव मना सकते हैं, और प्रभुपाद का स्मरण कर सकते हैं जप करते समय. प्रभुपाद
आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते जो प्रभुपाद ने हमारे लिए किए हैं। हमने प्रभुपाद को कभी नहीं देखा, फिर भी प्रभुपाद हमें देखकर हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। तो प्रार्थना कीजिए उनके चरणों में कि प्रभुपाद हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि हम भले फूल नहीं लेकिन फूल के पत्ता जो होता है, पंखुड़ी होती है, कम से कम इतनी तो हम सेवा करें आपके। इस तरह से आज के दिन प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना कीजिए आप सब लोग, और जब करते समय उनका स्मरण कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कई भक्त लोग तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिए। मैंने ऐसे कई भक्तों को देखा है या ऐसे कई प्रचारों को देखा है कि हाँ आज शाम को क्लास देना है तो आप 4-5 घंटा पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। अपने लेक्चर को ठीक करने के लिए वो 3-4 घंटा पढ़ते हैं, इतना ही, हफ्ते में एक बार कहो या व्हाट, एवरी डे पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो एवरी डे क्लासेस देते रहो, कम से कम 3-4 घंटा पढ़ोगे आप रोज, हफ्ते में एक दिन देने के जगह। इस तरह से प्रचार भी बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू प्लान कि हम प्रभुपाद के संग में कैसे प्रतिदिन रह सकते, यू हैव टू प्लान, इट इज इन आवर हैंड कि हम प्रभुपाद के हृदय के करीब कैसे रह सकते, ये हमारे हाथ में है। प्रभुपाद तो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव मेरे हृदय के करीब रहे, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम कितने करीब जाए प्रभुपाद के। Try to understand, ये तथ्य को, ये तत्व को समझने का प्रयास कीजिए तो आप अपने आप को कभी अकेले महसूस नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद भी जब जाते थे पाश्चात्य देश गए, 2-3 बार हार्ट अटैक आ गया, तो प्रभुपाद अपने सपने में देखे कि मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं इस नाव में, मेरे साथ पूरी परंपरा है और भगवान स्वयं कैप्टन बनकर इस जहाज को चला रहे हैं। क्या हमारा विजन भी ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या कोई बोलने के बाद ही हमें यह समझ में आती है बात, ऐसा होना चाहिए? नहीं, वी आर नॉट अलोन, वी आर विद प्रभुपाद, वी आर विद परंपरा, वी आर विद राधा एंड कृष्णा। ओनली, सिर्फ अपने सर के ऊपर के बादल हटाओ तो मर्सी हम पर आ जाएगी, दैट्स ऑल। अहंकार रूपी बादल को हटा दो, गो आउट सिंपली एंड प्रीच, गो आउट सिंपली एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक, गो आउट सिंपली एंड डू कीर्तन, जस्ट गो आउट, दैट्स ऑल। ये हमें करना है। क्या हम काम करने के लिए घर के बाहर नहीं जाते हैं रोज? घर पे बैठे रहते हैं, जस्ट गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम, डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम। यह हमारे पदयात्रा के कार्य है, 3 मुख्य कार्य, डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, डिस्ट्रीब्यूट होली नेम, डिस्ट्रीब्यूट श्रील प्रभुपाद बुक्स। हम सिर्फ प्रभुपाद इस तरह से करेंगे कार्य तो हम सिर्फ प्रभुपाद के हृदय के करीब नहीं लेकिन अन्यों को भी प्रभुपाद के हृदय के करीब लेने लेकर आने का प्रयास करेंगे। ओके, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, हरि नाम संकीर्तन की जाए, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आज के दिन प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ताकि वो संतुष्ट हो और हम उनके हृदय के करीब रहे। ठीक है, एनीबडी, एनी क्वेश्चंस?
इतनी सारी बुक्स रखता हूँ, उन सबको नहीं पढ़ पाता। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि विलिंग नहीं होते, फिर भी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनको थोड़ा कम रेट में, या फिर फ्री में भी मैं कई बार दे देता हूँ। मेरे दिमाग में ये आ रहा था गुरु जी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्या, क्योंकि मैंने किसी से कंसल्ट भी किया था तो बोल रहे थे फ्री में नहीं करना चाहिए, वो लोग उसको एज ए स्क्रैप रद्दी में भी फिर डालते हैं कुछ लोग, और मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने किसी किसी को दिया। मुझे लगा मैं बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैंने बुक्स दिया, जैसे साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे एक बुक थी शायद, और पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। वो पढ़ने के बाद भी वो लोग बोल रहे हैं इनमें काफी गल्तियां हैं ये वो। एक दोस्त के साथ मेरी ऐसे बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि इसमें है नीचे मेल एड्रेस, तुम उस पर लिखो तो वो तुम्हारी क्वेरी क्लियर भी करेंगे। गलतियां, देखो गलतियां तत्व में नहीं हो सकती है, शब्दों में प्रिंटिंग मिस्टेक्स जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है, तत्व फिलोसफी चेंज थोड़ी होगा, वो हमें समझाना चाहिए। वो फिलोसफी की बात कर रहे थे, फिलोसफी कैसे गलत हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो ठीक है। फिर प्रभु जी मुझे वही याद है जो 9th नंबर का नाम अपराध है कि वो ऐसे दालू होगा, हो सकता है नहीं, ग्रंथों का वितरण करो, फिर वो प्रभुपाद देखेंगे। हम जो है हम हरि नाम उनको ना दे, ताकि वो भगवान के चरणों में या अश्रद्धालु व्यक्तियों के प्रति, मतलब जब अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम देते तो अपराध कर, दैट इज वन ऑफ द ऑफेंस। बट हम प्रभुपाद के ग्रंथों को वहां पहुंचा सकते हैं, फिर प्रभुपाद लेट्स सी व्हाट दैट इज प्रभुपाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको किस तरह से लेकर आ जाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रंथों को तो पहुंचाना ही चाहिए, दैट देयर इज नो डाउट। मतलब प्रभु जी फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी को दे रहे हैं, कोई कम मिली दे देना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है कि मैं आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो उसकी वैल्यू वो ऐसे ही करेंगे, रद्दी में जाएगा या पढ़कर कचरे के जैसा रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ले सकते हो, नॉट एक्चुअल अमाउंट, फिर कुछ ना कुछ अमाउंट ले सकते हो और फिर आप उनको उस डिस्काउंट में आप दे सकते हो, अगर वो बहुत जिज्ञासु है तो। वरना आपको फ्री देना है तो छोटा ग्रंथ दे दो, 10 रुपए का 15 रुपए का किताब फ्री दे दो, या गीता सार बोल के है वो भी गीता ही है ना, तो वो दे दो उनको, बड़ी गीता की जगह फ्री देना है तो वो भी दे दो। तो बट भगवत गीता फ्री मत दो, इतनी बड़ी ग्रंथ जो है तो उसका अनादर हो जाएगा। लोग अगर जिज्ञासु है, पढ़ना चाहता है, बहुत ही ये कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इट इज नॉट ऑलवेज। समझ गए? यस, और कोई प्रश्न है? हाथ ऊंचा उठा सकते हैं। वापस एक बार प्रश्न रिपीट करो माता जी। प्रश्न नहीं है, मतलब ये है कि जो अभी भाई दूज आया था तब मैंने प्रभु जी उनको गीता गिफ्ट करी है, ब्रदर सिस्टर को, ब्रदर को और सिस्टर को। ओहो, भाई दूज के निमित्त से। ओके, हाँ, गिफ्ट कर सकते हैं। फिर मैंने, हाँ, तो मैंने उनको फिर बोला भी कि आपको नहीं आता, मैं आऊंगी एक दिन एक्सप्लेन करने कि आपको रोज एक श्लोक पढ़ना है और उसका मीनिंग और तात्पर्य पढ़ना है, पहले मंगलाचरण करना है। तो वो तो ठीक है ना प्रभु जी, ऐसे मैंने उनको। बात है, और एक महत्वपूर्ण बात है, निर्जा और हीना मकवाना आर देयर? हाँ, आप वृंदावन में है निर्जा, जितने भी भक्त लोग आपके साथ है वृंदावन में, इट इज माय अनम्यूट करो निर्जा, अनम्यूट करो। इट इज माय इंस्ट्रक्शन दैट 8 बजे से लेकर या 9 बजे से लेकर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, यू हैव टू फाइंड आउट, इस्कॉन टेम्पल में श्रील प्रभुपाद तिरुभाव का दिन मनाया जाता है। वहां पे प्रभुपाद के अनेक शिष्य आकर प्रभुपाद के गुणगान गाते हैं, कीप ऑल योर पर्सनल प्रोग्राम्स असाइड, और सुबह वहां जाकर प्रभुपाद के गुणगान सभी हमारे इस्कॉन के जो वैष्णव गण है उनके मुखारविंद से प्रभुपाद के गुणगान सुनो। ये सभी को, जितने भी आपके साथ भक्त लोग वृंदावन में हैं,
प्रभु जी आए हम लोग मंगल आरती करके, जस्ट अभी पहुंचे हैं। वो जो फंक्शन है ना 45th तिरुभाव दिवस, वो फंक्शन है लेकिन शाम का है, शाम का है, शाम का है। अभी मंगल आरती में अनाउंस किया शाम का फंक्शन है वहां पे। और ये तो एवरीडे मॉर्निंग में रहता है। मैं मतलब एवरीडे आई वाज अटेंडिंग 2-3 इयर्स बैक। कोरोना के बाद तो हम गए नहीं है, बट उस समय तो मॉर्निंग में होता था। अभी यहाँ पे पंडाल, हाँ मॉर्निंग में अनाउंस हुआ है। यहाँ पे पूरा पंडाल लगाया है इन लोगों ने बाहर की तरफ, वो जो तुलसी पूजा करते उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर की तरफ है पूरा पंडाल, और वहाँ पे सब फंक्शन है बताया मॉर्निंग में। अभी उन लोग का पूरा शेड्यूल बताया, कुछ सॉन्ग सिंगिंग वगैरह है और वो सब चीजें है, और शाम को फंक्शन है ऐसा बताया। कितने बजे? अराउंड 5 o'clock या 6 o'clock, वो पता नहीं है बिकॉज मैंने मॉर्निंग तक का सुना, फिर वो फंक्शन के बारे में शाम को बताया। एक बार वापस रीचेक कीजिए, क्योंकि उनको कहो हर समय, हर साल तो सुबह होता था। अच्छा आप हो क्या, आप आज निकल रहे हो ना? अभी निकल रहे प्रभु जी, 12 बजे के आसपास निकल रहे हैं। ओहो हो, देखो जितना हो सकता है उतना प्रभुपाद का, प्रभुपाद के शिष्यों का संग करो। इट इज गुड, आई थॉट यू आर देयर। एनीहाउ मेरा एक मंगला भी गए थे ना प्रभु जी, पूरे टेंपल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। इट वाज सो स्ट्रगलिंग, मतलब बहुत जबरदस्त भीड़ थी। प्रभुपाद के समय ये मंदिर बहुत बड़ा लगता था, हाँ अभी ये मंदिर बहुत छोटा लगने लगा है। बहुत छोटा है प्रभु जी, बहुत छोटा, एक्सट्रीम। बिकॉज हम लोग यहाँ पे आए रोज मंगला अटेंड करते हैं। ये है प्रभुपाद का, ये इंगित करता है कि प्रभुपाद का शरीर और एक्सपांड होना चाहिए, एक्सटर्नल शरीर इस्कॉन और एक्सपांड होना चाहिए। हरी बोल। बिकॉज रोज प्रभु जा रहे हैं, कार्तक में ही है, रोज भी जा रहे हैं, तो इतना रश नहीं था, लेकिन आज तो बहुत जबरदस्त। स्पेशल डे है, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे है, इसलिए होता है। एनीहाउ ठीक है, देखो जितना हो सके उतना ओके। ऐसा अगर आप नहीं भी है तो आप प्रभुपाद के कुछ शिष्यों का प्रभुपाद के विषय में कहते हुए ग्रंथ मिलेंगे वहां पे अपने बुक स्टॉल में। जी प्रभु जी, ठीक है। प्रभुपाद के गुणगान गाते हुए ऐसे कई शिष्यों के ग्रंथ वहां पे है बुक स्टॉल में, वो लेकर आप पढ़ सकते हो रोज। ठीक है, एटलीस्ट इन दैट सेंस यू कैन एसोसिएट विद प्रभुपाद डिसाइपल, प्रभुपाद के गुणगान सुन सकते हो। ठीक है ओके, माय हम्बल प्रेयर टू श्रील प्रभुपाद कि हम सब जितने भी हम इकट्ठा हुए हैं ऑनलाइन कहो या हमारे ग्रुप जो है, उनको प्रभुपाद रक्षा करे। उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं उन सभी की, प्रभुपाद रक्षा करे, हम सभी की रक्षा करे, और अपने हृदय के करीब रखे, का अर्थ है कि आप सब लोग प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़े। ऐसी शक्ति आप प्राप्त हो, आपको, हम सभी को प्राप्त हो, ऐसे श्रील प्रभुपाद के चरणों में विनंती है, नम्र प्रार्थना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।